पहले इसका सिलेबस देख लीजिए। एनवायरमेंट का जो सिलेबस है वो कुछ एक्चुअली एनवायरमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन यूपीएससी की वो सिलेक्टिव टॉपिक हमको पढ़ना होता है, और सिलेक्टिव में से भी सब चीजें नहीं, उस टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ कुछ चीजें हमको पढ़नी होती हैं। तो आज हम लोग ये जो पॉइंट नंबर वन है ये वाला हम लोग आज ये करने वाले हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, छोटे से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बट एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं चैप्टर में है क्या, इस पूरे सिलेबस में है क्या। तो पहला एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, दूसरा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हम लोग आज ही देख लेंगे इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, और उसके फंक्शन क्या रहेंगे वो। फिर नेचर ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप के होते हैं। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र। फिर अगला है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू। अब ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू में जो भी पॉल्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब है। ठीक है, फिर आगे आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी ये है। फिर आगे देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN। एक हिसाब से इस चैप्टर का एक्चुअली नाम था, जब बना रहे थे नोट्स, नाम था इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब उसी से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल सिटीज ट्रैफिक। ठीक, तो वो सब है। फिर आगे आता है क्लाइमेट चेंज, यूनो की क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे रिलेटेड क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो। फिर आगे आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड NGO, वहां पे क्या आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN वाला, अब यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक, फिर आगे आता है नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, जो भी भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए कानून है वो। ठीक, ये पूरा है, आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये चैप्टर नंबर 10, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसके असर रहे हैं, सब देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 10 चैप्टर में मैंने एनवायरनमेंट को डिवाइड किया है। ठीक, तो आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसका जो चार्ट है आपको चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट वाली बात है कि जिसको भी ऑनलाइन, अगर किसी को एडमिशन चाहिए ऑनलाइन के लिए तो वो भी स्टार्ट है, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ ऑनलाइन वाला ही। ठीक है, अगर आपकी कोई फ्रेंड है और कोई है और उसको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए तो फिर वो कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन मटेरियल भी रहेंगे, ऑनलाइन लेक्चर रहेंगे, जो क्लासरूम में मटेरियल मिलते हैं बुक के वो PDF फॉर्म में और वर्ड फॉर्म में वो रहेंगे, और ऑनलाइन लेक्चर जैसे भी चल रहा है तो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। क्लासरूम लेक्चर से डेफिनेटली ऑनलाइन लेक्चर की फीस कमी होती है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर की फीस कम होती है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप लोग में से, आप लोग तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई अदर व्यूअर देख रहे हैं जो कि यूट्यूब पे देखेंगे जैसे, तो अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई आप लोग के फ्रेंड में, तो फिर आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, अब इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर अपने लैंग्वेज में, गेम वही खत्म। ठीक है, एनवायरनमेंट पर्यावरण, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब, लॉजी मतलब हमेशा होता है पढ़ाई, स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक, लाइक बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन्स
जीव विज्ञान की पढ़ाई, ठीक, देन जितने भी लॉजी हैं, लॉजी वाले वो सब पढ़ाई, तो इकोलॉजी मतलब पर्यावरण की पढ़ाई, ठीक। तो अब पर्यावरण की पढ़ाई डेफिनेशन से ही, चैप्टर के नाम से ही क्रैक कर लिया। डेफिनेशन का क्या होगा, पर्यावरण की पढ़ाई मतलब स्टडी ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द नथिंग बट स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ पे है ना इकोलॉजी, ये इकोलॉजी में, इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण की पढ़ाई मीन्स इकोलॉजी, और एनवायरमेंट एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट के अंदर क्या आता है, दो चीजें आती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। आपके आसपास जो भी चीजें, बायोटिक मीन्स ऐसी चीजें जिसके अंदर जीव हो, अबायोटिक मीन्स ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर जीव नहीं हो, ठीक। ये अबायोटिक है, बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। अब बायोटिक मीन्स लिविंग, जिसके अंदर जीव हो, वो आपके एनवायरमेंट में आएंगे। अब एनवायरमेंट, अगर आप एक रूम में हैं, तो हो सकता है आपके लिए वो एनवायरमेंट हो, वो रूम इस मुंबई सिटी में है, वो एनवायरमेंट मुंबई सिटी आपका, फिर वो देश में है, दुनिया में है, तो दुनिया भी। एक्चुअली क्या होता है, जब आप वेन डायग्राम देखते हैं, एक छोटा सा सर्कल होता है, ठीक है, जब एक छोटा सा सर्कल होता है, पहले ए हो गया छोटा सा सर्कल, ठीक, फिर इसके बाद दूसरा बड़ा सर्कल, फिर तीसरा ये बड़ा सर्कल, ठीक है, ठीक है। तो ये आप रहे, ये आपका रूम है, आपका रूम कहाँ पे, ये मुंबई शहर में, ये मुंबई शहर इंडिया में है, फिर इंडिया कहाँ पे, वर्ल्ड में है। तो कुल मिला के आपके लिए एनवायरमेंट पूरा दुनिया भी हो सकता है, और सिर्फ आपका रूम भी हो सकता है, और उसके अंदर आने वाली सारी चीजें रहेंगी एनवायरमेंट, ठीक। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, एनवायरमेंट इज अ नेचुरल कंपोनेंट इन विच बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट अमंग देमसेल्स एंड विथ ईच अदर, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने घर में हैं, आपके घर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, मच्छर हो सकते हैं, खटमल हो सकते हैं, ठीक है, आपके एनवायरमेंट में, आपकी फैमिली है, आपके लिए एनवायरमेंट में आपके वो बायोटिक सब हैं, खटमल में जीव है, मच्छर में जीव है, ठीक, और जो भी कीड़े मकोड़े दिखते सब में जीव है, वो एनवायरमेंट है आपके लिए, वो बायोटिक एनवायरमेंट है। अबायोटिक में जो भी टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, जो बुक आप देख रहे हैं, जो लैपटॉप पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो मोबाइल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी उसमें आएगा। तो एनवायरमेंट में सारी चीजें आएंगी, आपके घर के एनवायरमेंट में। आप जैसे बाहर निकलेंगे या फिर आपके बाहर साइड देखेंगे, तो ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब भी आपके लिए एनवायरमेंट में आएगा। दुनिया में जाएंगे तो फिर फार्म, माउंटेन, ग्लेशियर्स, ये भी आपके लिए एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये सब आपस में जब रिएक्ट करते हैं, तो एक एनवायरमेंट के, जब एनवायरमेंट में ये सब रहते हैं, तो जब रहेंगे तो रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो बड़ा डेफिनेशन बहुत इजी है, बहुत बहुत एकदम लॉलीपॉप डेफिनेशन था, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप डेफिनेशन था, ओके। इकोलॉजी और एनवायरमेंट का डिफरेंस क्लियर। अब यहाँ पे कुछ बातें, कुछ और भी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट हैं, लेकिन आप इसको स्टडी के लिए, इसको पढ़ने के लिए ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है जिसको आप पढ़ सकते हैं। दीज इंटरेक्शन शेप द हैबिटेट एंड इकोसिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, मैंने भी क्या बताया था, इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होगा
वो एनवायरमेंट है, उसमें बायोटिक एनाबायोटिक दोनों चीजें हैं, ठीक। अब जो जैसे मैंने आपके लिए घर बताया, आपका घर एक हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहवास, रहवास जहां पे आप रहते हैं, हैबिटेट आपका घर है। जो स्मॉलेस्ट हैबिटेट आएगा वो आपका घर है, और जो लार्जेस्ट हैबिटेट आएगा ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक, जो लार्जेस्ट हैबिटेट है। तो इस तरह से हैबिटेट और इकोसिस्टम पूरा इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। तो अगर आपके घर के हैबिटेट में बोला जाएगा तो खटमल मच्छर कीड़े मकोड़े सब आएंगे, ठीक है, और वो एनवायरमेंट है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं ऑल द हैबिटेट आर एनवायरमेंट, ये बात सही है, ऑल द हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट। आप जहां पे भी रहते हैं एक एनवायरमेंट का पार्ट है, बट ऑल द एनवायरमेंट इज नॉट योर हैबिटेट। जैसे कि आप अपने घर में हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैबिटेट है, बहुत सारे घर हैं, तो उनका क्या, ठीक, तो उनके लिए वो एनवायरमेंट है। तो इस तरह से अब आगे पॉइंट नंबर 3 देखिए, आगे देखते हैं। इन अ बायोलॉजिकल सेंस एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल। अब फिजिकल में क्या क्या आता है, ये न्यूट्रिशन वाटर एयर, बायोलॉजिकल में बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिजम्स, केमिकल में कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल, ये सब आते हैं एक बायोलॉजिकल में, ठीक। देन आगे देखते हैं ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ। हम लोग सब एनवायरमेंट पे डिपेंड है, एक कोरोना वायरस आया सबके सब की वाट लग गई, ठीक, तो सबके सब एनवायरमेंट पे डिपेंड है ना। अब लोग ये सोच रहे हैं कि एनवायरमेंट कुछ ऐसा करे कोरोना वायरस चला जाए, अब एनवायरमेंट ऐसा कर नहीं रहा है, एनवायरमेंट को किसी ने कहां छोड़ा था, अब एनवायरमेंट एकदम अच्छा अच्छा हो गया है, पॉल्यूशन कम हो गया है। तो कुल मिला के सब लोग अपने जिंदा रहने के लिए एनवायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। अब कैसे डिपेंड होते हैं ये देखिए, एनवायरमेंट से आपको क्या मिलता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट, फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, ये सब मिलता है, ये आपको सब एनवायरमेंट से मिलता है, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते थोड़ा, ये हैबिटेट हम लोग देख ही रहते हैं, ये हैबिटेट हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे पे जंप करेंगे, ठीक। ये हम लोग यहां पे देखते हैं हैबिटेट पहले, ओके। चलिए हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट इज ए फिजिकल एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। मैंने क्या बोला, अगर आप अपने घर में हैं, आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम आपके लिए हैबिटेट हो गया, आप अपने घर में हैं, आपका घर हैबिटेट हो गया, यही तो मैंने बोला था ना, इसी को इंग्लिश में दिया है, पढ़ लीजिए डेफिनेशन खत्म, बहुत इजी है। एनवायरमेंट अगर समझने के लिए जाएंगे तो बहुत इजी है, और अगर खाली रटते हुए जाएंगे तो बहुत टफ है। तो देख लेते एक बार बुकिश डेफिनेशन क्या है, बुकिश डेफिनेशन क्या है इसमें, हैबिटेट इज द फिजिकल एनवायरमेंट, हैबिटेट इज ए फिजिकल एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव, मींस एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपका घर का एड्रेस, आपका रहने का जगह है, तो एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ हैबिटेट। देन मेनी हैबिटेट मेक्स अप द एनवायरमेंट। मैंने आपको क्या बोला, आपका एक घर है आपका एनवायरमेंट, ऐसे आप पड़ोसियों का भी होगा, बहुत लोगों का घर होगा, तो बहुत लोगों के घर से क्या बना, एक मुंबई सिटी बनी, बहुत सारी सिटी से पूरा इंडिया बना, और बहुत सारे कंट्री से पूरा वर्ल्ड बना, यही तो मैंने बोला था, ठीक। तो हम लोग चलिए आगे देख लेते क्या क्या है। अ सिंगल हैबिटेट में बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट। एक हैबिटेट में एक अकेले आप थोड़ी रहते, आपकी फैमिली भी तो है, आपके हैबिटेट में को खटमल भी रहता है, वो मच्छर भी रहता है, ठीक है, आपके फैमिली में आपके और भी लोग रहते हैं, मॉम डैड और जो भी रहेंगे आपके साथ में,
उनके लिए भी तो वो हैबिटेट है, तो जरूरी नहीं कि एक हैबिटेट में सिर्फ आप ही रहें, और ऐसा नॉर्मली होता भी नहीं किसी एक हैबिटेट में सिर्फ कोई एक ही रहे, आप कितना भी घर साफ कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, चींटी आएगी और चींटी आपके हैबिटेट में आ गई, कर लो जो करना है, और चींटी भी वही हैबिटेट है, आपका भी वही हैबिटेट है, दोनों को उसी में रहने का है और दोनों को इंटरेक्शन करना है, चींटी आपको काटेगी या फिर आप चींटी को मार दोगे, एनवायरमेंट तो बनने वाला है, ठीक। तो ये हैबिटेट, हैबिटेट मैंने क्या बताया था, रहवास स्थान, ये हिंदी का जो वर्डिंग है, देखो पढ़ने का इंग्लिश में, समझने का अपने ओन लैंग्वेज में, और जो जो लिखने का रहेगा वो इक्का दुक्का वर्ड रहेंगे तो फिर वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलिए, अगला है ये वर्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जीव मंडल, ठीक। बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जीव मंडल। अब देखिए बायोस्फीयर होता क्या है, याद है हम लोग जब माथेरान गए थे तो माथेरान में मैंने आप लोग को एक पॉन्ड दिखाया था, माथेरान नहीं गए मतलब, चलो कभी तो जाओगे या फिर कहीं आपने बायोस्फीयर पॉन्ड तो देखा होगा। आप जमीन पे खड़े हैं, सामने तालाब है, ठीक, और वो ऊपर आसमान है, आसमान तालाब और जिस जमीन पे आप खड़े इंटरेक्ट कर रहे हैं, आसमान तालाब और जमीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो आपका लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। जिस जमीन पे आप खड़े हैं, ये जिस जमीन पे आप खड़े हैं ये आपका लिथोस्फीयर है, इसी पे आप खड़े हैं, ये मैंने बोला कि सामने पॉन्ड है, ये हाइड्रोस्फीयर है, और ऊपर खुला आसमान, ठीक, ये खुला आसमान, और ये तीनों इस पॉइंट पे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये वाले पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स इट्स अ जंक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, ठीक, ये जंक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों आपस में एकत्रित होकर एक नया मंडल फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर, ठीक। मैं नहीं समझता इसमें कुछ बहुत, मैं अभी तक ट्रिकी बना दिया, बहुत एकदम इजी है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार जो बुक का डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं, बुक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नोट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये तो मैं समझने के टर्म में एकदम बहुत सिंपल कर देता हूँ, लेकिन जो बुक है और मीनिंग वही है जो मैं अगर बता रहा हूँ, अगर आप वो लिखेंगे वो भी सही है, और बुक में भी इंग्लिश खाली वही लिखा है और बुक की लैंग्वेज अलग लिखे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते क्या क्या वो है, ठीक। The biosphere is the biological component supporting life of Earth, which include lithosphere, hydrosphere, atmosphere. यही तो मैंने बोला था, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम है, यही तो मैंने बोला था। आगे क्या है, पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, The biosphere include all living organism on Earth. टूगेदर विद डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने अर्थ पे हैं वो अपने आप में एक बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मैंने पॉन्ड का एग्जांपल दिया, तो जो धरती पे कीड़े मकोड़े हैं, जो पॉन्ड में है, तालाब में है, और जो अर्थ से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सबके सब बायोस्फीयर में आते हैं। इवन जो मरे हुए हैं वो भी बायोस्फीयर में आते हैं, क्योंकि एक फर्टिलिटी का काम करते हुए वो जीवमंडल में आते हैं, ठीक। और बायोस्फीयर का क्या था, बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। व्हाई बायोस्फीयर वहां पे नॉर्थ साउथ पोल पे क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर नहीं होता, ठीक है, वहां पे वाटर नहीं होता, कंडीशन नहीं होती सरवाइव करने के लिए,
अब यहाँ पे देखते हैं रीजन एक ही नहीं, द हाईएस्ट माउंटेन्स एंड डीपेस्ट ओशियन सिंस एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल कंडीशन डू नॉट सपोर्ट लाइफ, वहां पे लाइफ ही सर्वाइव नहीं कर सकती तो बायोस्फीयर कैसे होगा। ठीक है, देन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं छोटे मोटे। ओकेशनली स्पोर्स ऑफ फंगाई बैक्टीरिया डू अकर एट ए ग्रेट हाइट बियॉन्ड 8000 मीटर बट दे आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, वो मेटाबॉलिकली कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा डेड मैटर नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वो बारिश में नहीं आएंगे। और कोई मिला के सिंपल रीजन अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि वहां पे वाटर नहीं होता और वाटर आइस के फॉर्म में होता है। आइस इज ए सॉलिड, लिथोस्फीयर, उस लिथोस्फीयर पे आइस कवर है तो कुछ फॉर्म नहीं हो सकता, सर्वाइव नहीं सकता, इसलिए पोल्स पे बायोस्फीयर नहीं होता। बाकी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया, हर जगह बायोस्फीयर है। ठीक है, इवन आपके घर के सामने अगर कोई तालाब होगा तो वो बायोस्फीयर है, क्योंकि घर लिथोस्फीयर, तालाब हाइड्रोस्फीयर, आसमान, तो हर जगह है। ठीक, ये हैबिटेट का डायग्राम देख लीजिए, ये हैबिटेट डायग्राम था कि एक एक हैबिटेट में कितने रहते। देखिए ये हैबिटेट में इतने पेड़ है, ये एक रेगिस्तान वाला हैबिटेट है, यहाँ पे सब ऊंट खड़े हैं, ये भी हैबिटेट है, ये हैबिटेट है, सारे हैबिटेट मिलकर क्या हो गए, एनवायरमेंट हो गए। यही तो मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, देख लीजिए एनवायरमेंट और हैबिटेट में डिफरेंस क्या है, एनवायरमेंट और हैबिटेट में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है कि हैबिटेट में लाइफ होता है, जैसे आप हैबिटेट में घर में तो चींटी खटमल जो भी है, मच्छर वच्छर सब समय लाइफ है। लेकिन एनवायरमेंट पे अगर बात करेंगे तो अबायोटिक भी आ जाएगा, हैबिटेट में अबायोटिक नहीं आता। एनवायरमेंट में अबायोटिक भी आ जाएगा, जो कबर्ड है, जो खाट है, जो टेबल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये एनवायरमेंट में है क्योंकि इनके अंदर लाइफ नहीं है। अब हैबिटेट एनवायरमेंट में भी है और हैबिटेट अपना भी है, लेकिन एनवायरमेंट में जो चीजें आती जरूरी नहीं हैबिटेट में आए। तो पॉइंट नंबर वन यही बोलता है, हैबिटेट ऑलवेज हैज अ लाइफ इन इट, वेयर एज द एनवायरमेंट डज नॉट नेसेसरीली हैव लाइफ इन इट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, All habitats are environment. मैंने यही बोला था, All habitats are environment, but all environments are not habitat. यही तो मैंने बोला था, Explain भी किया था, All habitats are environment. All habitats are environment कैसे? All habitats are environment कैसे? सारे के सारे habitat जितने भी हैं, जैसे मैंने आपका घर का लिया था, घर पे आप रहते हैं, आपके साथ खटमल चींटी मच्छर वच्छर सब रहते हैं, हैबिटेट है, वो एक बायोटिक कंपोनेंट है, साथ में अबायोटिक, बायोटिक प्लस अबायोटिक इक्वल टू एनवायरमेंट। ठीक है, बायोटिक प्लस अबायोटिक इक्वल टू एनवायरमेंट। ठीक है, बट अगर कहीं ऐसा है कि जहां पे बायोटिक नहीं है, जहां पे बायोटिक नहीं है, तो उनके लिए खाली एनवायरमेंट ही बचा और हैबिटेट में लाइफ होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं इसमें, हैबिटेट इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज। जैसे कि आपका हैबिटेट घर में है और चींटी भी आपका घर हैबिटेट है, चींटी के लिए भी आपका घर हैबिटेट है, आपके लिए भी घर वही है। ठीक है, तो हैबिटेट ऑलवेज वन स्पीसीज, जो घर एक देखा जाएगा तो जब आपके आपके रिलेशन में देखा जाएगा तो आपका हैबिटेट, चींटी के रिलेशन में जाएगा तो चींटी का हैबिटेट। ठीक, अब लेकिन चींटी का जो छोटा छोटा घर होता है, चींटी लाइन बना के चलती है, कहीं सड़क गला पड़ा वहां पे रह सकती है, आप वहां पे तो नहीं रह सकते इतने छोटे में। तो कुल मिला के हैबिटेट इज अ प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज। ठीक, पॉइंट नंबर फोर्थ देख लीजिए, एन एनवायरमेंट कुड बी प्रेफरेंस ऑफ मेनी स्पीसीज दैट कुड इवेंचुअली बिकम मेनी हैबिटेट्स। ठीक, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। यूजुअली एनवायरमेंट गवर्न्स प्रॉपर्टीज ऑफ हैबिटेट बट नॉट वाइस वर्सा, ये कुल मिला के जो ये पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट है एक सेम है। ठीक है, ये और ये दोनों पॉइंट आपस में सेम ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने क्या बोला था, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अभी तक एनवायरमेंट आप पढ़े, इकोसिस्टम, ठीक, खास करके स्टडी के लिए
ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र, सिस्टम मतलब तंत्र, सिस्टम सिस्टम मतलब तंत्र। अब उसके अंदर जो स्टडी के लिए यूज करते हैं फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक तंत्र, कार्यात्मक इकाई, पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो इकोसिस्टम होता है। और जहां पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, और डिकम्पोजर मतलब जो मर जाते हैं, जो उसको डिकम्पोज करते हैं, गलाते हैं, वो जहां पे ये सब चीजें आपस में इंटरेक्ट करते हैं और काम करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक। और इकोसिस्टम के फंक्शंस भी हैं, वो आगे हम लोग देख लेंगे, पहले डेफिनेशन डेफिनेशन देखते चलते हैं। एंड इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, कार्यात्मक इकाई, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर इंटरेक्ट, वेयर जहां पे कि ये सब प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक, वो इकोसिस्टम है। अब आगे पॉइंट नंबर टू देख लीजिए, इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे चींटी, चींटी क्या डिकम्पोजर है, तो आपके घर में काम कर रही हो चींटी, लेकिन आप कहीं अगर सपोज समंदर में उतर गए, समंदर में बहुत सारे डिकम्पोजर होंगे, तो उनके लिए पूरा समंदर ही इकोसिस्टम है। आप अपने घर में कंज्यूम करते हैं खाना, अपने घर में खा रहे हैं, तो आपका घर एक इकोसिस्टम आपके लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, जो प्रोड्यूसर हुआ उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने घर में। दिन आगे देखते हैं, हाँ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो भी आता है, वो हम लोग आगे देख लेंगे जब एनर्जी फ्लो के चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम दिया है, मतलब मरीन इकोसिस्टम, जल तंत्र। इसके अंदर कौन कौन हो सकता है, ये सब इतने सारी चीजें इस जल तंत्र में हो सकती हैं। ये मेंढक हो सकता है, बुल फ्रॉग, पॉन्ड स्मॉल, पॉन्ड स्नेल है, फिर सनलाइट, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, ये मच्छी, ये चूहा हुआ कुछ अगर रहेगा, ये जो पानी वाला सांप है, ये जितने भी हैं सब उसमें हो सकते हैं, एक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक जो लैंड इकोसिस्टम में आप रहते हैं, घर का आपका इकोसिस्टम, आप उसमें रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम बात किया है, अभी और भी इकोसिस्टम होते हैं उनका एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पे अवेलेबल है, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, वो सब जमीन पे अवेलेबल है ना, वाटर बॉडी है एक्वेटिक इकोसिस्टम, बट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जमीन पे अवेलेबल है। दूसरे कौन से इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो समंदर है, ठीक है, पूरा का पूरा समंदर ही है, रिवर, एस्टुरी, ये सब एक एक्विटी की सिस्टम है, ठीक। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एनवायरमेंट इकोसिस्टम है, ठीक है, ये आप लोग को आप लोग को खुद ही पढ़ना है ये डिफरेंस, क्योंकि मैंने ये पढ़ा चुका हूं, अब ये होमवर्क है, इसको आपको पढ़ना है डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में बताने का है, ठीक है, कि इसके इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक। कुल मिला के छोटे छोटे यहाँ पे दिया है, तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे में डेफिनेशन दिया हुआ है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चन में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन, इसका आंसर, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अदर, जहां पे इंटरेक्शन होता है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टूगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया, और उसके नीचे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, उसके नीचे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, कहाँ गया, इकोसिस्टम का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए देख लेते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अदर,
जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरमेंट इन विच दे लिव, जहाँ पे सब के सब मिला के रहते हैं एनवायरमेंट के साथ उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। फ्लोरा एंड फौना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ये तो डी ऑप्शन मतलब इरिलेवेंट था। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, तो हम लोग इसको इसी तरह पढ़ेंगे एनवायरमेंट। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अदर, नो स्पेसिफिक टर्म, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं कि एक स्फीयर, बायोस्फीयर यही आता है जहां पे सारे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। और अगर आगे के टर्म में देखा जाएगा तो अभी के टर्म में टर्म नहीं आया, इसको बोलते नीचे में इकोटोन और नीचे में सबके सब इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक, तो आगे आएगा लेकिन अभी नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया, मुझे पता मैं बता दे रहा हूँ। देन आगे द पार्ट ऑफ अर्थ, ये तो देखो बायोस्फीयर इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर, इसी को हैबिटेट भी बोलते हैं, हैबिटेट बायोस्फीयर में आता है। ठीक, देन यहाँ पे ये इकोसिस्टम का, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरमेंट इन विच दे लिव, इकोसिस्टम। ठीक, और यहाँ पे ये बायोडायवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना। ठीक, अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में खाली आपको नेम पूछा जाता है, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पूछते। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, मैंने इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट बताया था आपको, एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक, सेम चीज वही यहाँ पे भी आएगा, अबायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होंगे, लाइट, रेन, वाटर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो खाली इसको देख लीजिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, देखिए लाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूं आपको पता भी चलेगा, ये लाइट, ये रेनफॉल, ये टेम्परेचर, ये सब इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक, ये सब इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट हैं। एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्टीट्यूड, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, फ्रॉस्ट, सैलिनिटी। ठीक, ये सब के सब जितने भी हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट में हैं। इसको आपको खाली नाम देखना है, बाकी इसको आपको छोड़ देना है। अगर आप एनवायरमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको तब पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, बस अबायोटिक कंपोनेंट में कौन से आते हैं और बायोटिक में इकोसिस्टम में कौन से आते हैं ये पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, देन आगे देखिए, आगे बायोटिक कंपोनेंट में देख लीजिए, चलिए ये रहा आपका बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, ये सब आते हैं, सब बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में देख लेते कौन कौन से आएंगे, देखिए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर मैंने बोला वही सब है, कंज्यूमर, अब इसके कंज्यूमर को अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे माइक्रो कंज्यूमर इसकी बात किया गया, इतना डिटेल में नहीं पूछता, मैंने आपको पहले बोला है कि सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से आते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक में कौन से, अबायोटिक में कौन से, वो देखने का है। तो अबायोटिक वाला मैंने आपको बता दिया, अबायोटिक वाला। ठीक, अब आप बायोटिक वाले देख सकते हैं कि कंज्यूमर, डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर, कुल मिला के तीन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इकोलॉजी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बेसिक डेफिनेशन की कहां से इकोलॉजी आया, किधर से आया, वो अपने को मतलब नहीं है। इकोलॉजी मैंने क्या बताया था, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। तो वही यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है आपको कि इकोलॉजी एनकंपसेस द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ये पूरा का पूरा
आपको इकोलॉजी में आता है, ठीक। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिस्ट में एक छोटा भी कैसे हो सकता है, बड़े भी कैसे हो सकते। देखिए ये एक इंडिविजुअल है, जब ये बहुत सारे, ये भी स्पीसीज है एक, और जब ये बहुत सारे लोग का ग्रुप बनाता है तो क्या बनता है, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में इस खाली ये तो है नहीं, इसके साथ और भी लोग हैं, और भी जानवर हैं, तो एक कम्युनिटी हो गया, समाज हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे और बाकी सब भी आएंगे, तो इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम किसका पार्ट है, बायोम का। बायोम किसका, बायोस्फीयर। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर, जैसे मैं बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया ही सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, वर्ल्ड सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मैंने बताया पॉपुलेशन, और वो जो चार्ट में है वही ये सब चीजें लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप खुद से स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, ठीक। तो चलिए बायोम देख लेते हैं। बायोम बेसिकली बायोस्फीयर से छोटा होता है, बायोम इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बायोम की बात किया गया है, ये बायोम की बात किया गया है, ये बायोम बेसिकली पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोम इज अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्युपाइंग अ मेजर हैबिटेट, दैट इज रेन फॉरेस्ट बायोम, टुंड्रा बायोम। अब ये सब जो रेन फॉरेस्ट बायोम, टुंड्रा बायोम किसके पार्ट है, बायोस्फीयर। सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है, अर्थ है। तो बायोम इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। अगर आपको एक अरेंज करना पड़ेगा छोटे से बड़े में, तो जैसे मैंने उस डायग्राम में ही बताया था, तो उसमें भी था, ठीक है। अब बायोस्फीयर हम लोग ने पहले स्टडी कर चुके हैं कि बायोस्फीयर होता क्या है, तो आपस वापस इसको करके मतलब नहीं है। ये देखिए बायोस्फीयर, इकोसिस्टम का डेफिनेशन, इकोसिस्टम इज अ कंपोनेंट, इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग एनवायरनमेंट सच दैट एनर्जी एक्सचेंज लेवल प्रोसेस। मैंने कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर बताया था, उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, वही इकोसिस्टम है। फिर बायोम, फिर उसके नीचे बायोस्फीयर, ठीक। बायोस्फीयर भी हम लोग पहले देख चुके हैं वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी में अडॉप्टेशन, मतलब प्रिंसिपल इकोलॉजी में कुछ ऐसे होते हैं कि वो जीव जाके चेंजेस कर, वो जीव अगर किसी और जगह में रखे जाएगा तो अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं उस हिसाब से, उसे बोलते हैं अडॉप्टेशन, ठीक है। अडॉप्टेशन बेसिकली क्या है, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, आपकी बॉडी ने गर्मी अडॉप्ट कर लिया, कितनी गर्मी हो रही बॉडी सहन कर ले रही है। जब ये ठंडी का मौसम आएगा तो बॉडी फिर चेंज कर लेगी अपने आप को, तो उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन, ठीक है। कुल मिला के ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वही है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन वही है, आप इसको पढ़ सकते हैं जब नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और वो अडॉप्टेशन कैसे होता है कि वो अलग बायोलॉजिकल चीज है कि उसका क्यूटिकल होता है, स्टोमेटल होता है, ये पूरा बायोलॉजी का है, एनवायरमेंट में इन चीजों की जरूरत नहीं है। अडॉप्टेशन होता है, अडॉप्टेशन सारे जीव समय के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, वही अडॉप्टेशन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन देखिए कि आपका समय के हिसाब से आपकी हाइट बढ़ते रहती है, ठीक है। क्लाइमेट के हिसाब से कहीं कहीं जैसे कि भालू, देखिए पोलर बियर के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, क्यों, क्योंकि उसको ठंडी ना लगे। और जो यहाँ पे इंडिया में जो बियर पाए जाते हैं उनके ऊपर बाल तो होते हैं लेकिन उनको गर्मी से बचाने के लिए इतने नहीं, वो तो बस उनका नेचुरली होता है। तो वेरिएशन, बियर वही है, भालू वही है, लेकिन मौसम के हिसाब से उसने उसमें वेरिएशन आ गया है। तो देख लीजिए पॉइंट नंबर वन क्या, इसमें क्या बोलते हैं, वेरिएशन आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, ठीक। जैसे कि पोलर बियर का कौन सा, व्हाइट वाला होता है, यहाँ पे इंडियन जो बियर होता है काला वाला होता है, तो दोनों बियर में अलग अलग है, दोनों भी भालू ही है, वो गोरा भालू या काला भालू, ठीक, ऐसे हैं। देन आगे आता है म्यूटेशन, ये म्यूटेशन एक वेरिएशन का पार्ट है, म्यूटेशन एक वेरिएशन का पार्ट है, ठीक। आगे देखते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। अब इसमें अलग अलग कुछ जो नियरेस्ट पक्षी थे उनका लिया गया कि किसी की चोंच बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी का एकदम बहुत छोटा गले तक आ रहा है, तो समय के हिसाब से
उसमें चेंज आ गया समय के हिसाब से। जब समय के हिसाब से किसी बॉडी में चेंज आता है तो उसे बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। देख लेते हैं, अडॉप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई फ्रॉम एंसेस्टरल स्पीसीज, मतलब पुरानी से और नए में, ठीक, उनसे अलग कर लिया गया है, ठीक, ये बोलते हैं अडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्पेशिएशन। यहां पे स्पेशिएशन देख लीजिए, स्पेशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड। जैसे कि आपको पता है कि डायनासोर थे और डायनासोर के वंशजों में क्रोकोडाइल को गिना जाता है और क्रोकोडाइल के वंशजों में जो आपको लिजर्ड होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। एक अगर जोक्स बताए तो फिर गरीब क्रोकोडाइल कौन सा, छिपकली, गरीब क्रोकोडाइल एक छिपकली है, ठीक। तो अपने हिसाब से अब उनकी सबकी सबका जो जेनेटिक है वही है कि उनके स्ट्रक्चर एक हिसाब से वही है, लेकिन कुछ स्पीसीज ने जगह और समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है, तो इसे कहते हैं स्पेशिएशन। ठीक, ये देखिए कुछ डायग्राम भी दिया गया है स्पेशिएशन का कैसे है। देन आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन नॉट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजी का पार्ट है, म्यूटेशन नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक। देन नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी की सबसे, एनवायरमेंट की सबसे, नहीं तो ज्यादा करके बायोलॉजी के। देखिए पहले इंसान ऐसे था, चलता था पहले वाले में, बाद में इंसान प्रोग्रेस करते गया, ये इवोल्यूशन है। समय के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से इंसान में परिवर्तन होता गया, ठीक। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त हो जाना, इतने परिवर्तन हो गए कि खत्म ही हो गया। जैसे कि इंडिया का जो चीता था, चीता खत्म ही हो गया, इतने परिवर्तन हो गए उसके हैबिटेट, उसके एनवायरमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते, क्वेश्चन क्या था बेसिकली, द टर्म सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन, सिक्स एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ 2018 में पूछा गया था। तो ये है मैनकाइंड ओवर एक्सप्लोइटेशन, यहाँ पे था मैनकाइंड ओवर एक्सप्लोइटेशन, जो ऑप्शन डी था वो उसका आंसर है कि सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन किसको बोला गया है, सिक्स मार्क्स एक्सटेंशन किसको बोला गया है। तो मैनकाइंड ओवर एक्सप्लोइटेशन, जब एकदम इंसान ज्यादा यूज कर लेता है सब कुछ तो सब चीजें खत्म होने लगती हैं, जब डिस्ट्रक्शन करता है सब चीजें खत्म होने लगती हैं, उसी को बोला गया सिक्स मास एक्सटेंशन होने वाला है, जब होगा तो होगा, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये आप लोग के लिए होमवर्क, इसको आप कर लीजिएगा कैसे, क्योंकि ये मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन है, आप इसको कीजिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही लेक्चर शुरू होगा एनवायरमेंट का आप उसको पूछिएगा, ठीक। तो जैसे मैंने इकोटोन की बात किया था, चलो इकोटोन की बात कर लेते, इकोटोन आ गया है। इकोटोन कुछ नहीं है, इकोटोन जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन एरिया, ठीक। मैंने बायोस्फीयर बताया था, बायोस्फीयर एक छोटे टर्म में भी होता है बड़े टर्म में होता, लेकिन इकोटोन हमेशा छोटे टर्म में होता। आपने मैंग्रोव देखा है, मैंग्रोव क्या होते हैं कि मैंग्रोव एक लिथोस्फीयर वाले पार्ट होते हैं और वो नीचे उनके बहुत पानी होता है, एक्वेटिक सिस्टम होता है, ऊपर से खुला आसमान है, सब तीनों चीजें मिल गई, जहां पे तीन इकोसिस्टम मिल गए वहां पे इकोटोन बनता है। इट इज जंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल एरिया, जहां पे ये तीन इकोसिस्टम मिले वो ट्रांजिशन एरिया बन जाता है। वहां पे इतना कॉम्पिटिशन होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपस में एक दूसरे से बढ़ जाती प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इकोसिस्टम है क्या, इकोटोन देखते हैं। इकोटोन ये जंक्शन ऑफ और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स, ठीक। कौन कौन से, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट का दिया है, बिटवीन अ मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन
समंदर का पानी और टेरेस्ट्रियल मतलब मीठा पानी, और वो लैंड वाला पार्ट तो है, तो जब ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक इकोटोन बन जाता है। और इकोटोन में याद रखना स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, वहां पे स्पीसीज जो जीव है वो बहुत ज्यादा होते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम। ठीक, फॉरेस्ट एक लिथोस्फीयर वाला, डेजर्ट भी लिथोस्फीयर वाला, बट दोनों का बायोम अलग है। ठीक है, दोनों का कंडीशन अलग है। ठीक, एस्चुरी बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। तो इस तरह से आपको बहुत सारे इकोटोन का एग्जांपल दिया गया, जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिशन एरिया, जंक्शन और अ ट्रांजिशन एरिया, ये इकोटोन में आते हैं। ठीक, अब इकोटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट में भी नैरो मतलब छोटा भी हो सकता है और ज्यादा करके छोटा ही होता है। इंटरमीडिएट, ये जोन ऑफ टेंशन बोला, तो जैसे मैंने बोला कॉम्पिटिशन होता है तो जोन ऑफ टेंशन भी होता है। पॉइंट नंबर टू में देखिए, पॉइंट नंबर थ्री में क्या है, यूजुअली द नंबर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ एन आउटगोइंग कम्युनिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द कम्युनिटी और इकोसिस्टम। जो कम होने वाली कम्युनिटी है, जो कमजोर कम्युनिटी है, वो तो भाई कम होगी, लेकिन जो बढ़ने वाली है वो तो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनपे भरपूर पोषण मिलता है, वहां पे न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा होता है इकोटोन में। ठीक है, और फिर लास्ट वाला क्या है, वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज, की जो आसपास की कम्युनिटी होती है उनसे थोड़ा अलग होता है। अब इकोलाइन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इकोलाइन देख लेते हैं। इकोलाइन जहां से उनमें जिस पॉइंट के बाद उसमें मेजर चेंजेस आते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, इकोक्लाइन क्या है, इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन टू टर्म्स ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन। मैंने क्या बोला, जहां से कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, इकोक्लाइन मीन्स एक लेवल होगा, एक बाउंड्री होगी, जिसके बाद से ही कुछ कमी होगा, उसके बाद से कुछ बढ़ेगा, वो जो लाइन होता है उसी को इकोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट मतलब किसी को एडवांटेज मिल जाना। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ चेंजेस हो जो किसी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल हो, उसे बोलते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, एज इफेक्ट क्या है, ऐसा कुछ चेंज जो किसी स्पीसीज के लिए एक बेनिफिशियल हो, उसे बोलते हैं एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट क्या है, एज इफेक्ट रिफर टू चेंजेस इन अ पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट अ बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट। दो हैबिटेट, दो इकोटोन के बॉर्डर पे जो चेंजेस होते हैं, जिससे कि किसी स्पीसीज को उस इकोटोन में फायदा मिल जाता है, उसे बोलते हैं एज इफेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे, तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, ये जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, ये वाला, इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। कि जब कीड़े मकोड़े मरते हैं तो चिड़िया खाती है। ठीक, तो कीड़े मकोड़ों का मरना चिड़िया के लिए बहुत अच्छा हो गया, चिड़िया के लिए एडवांटेज है वो। ठीक, तो एज इफेक्ट है। बहुत सिंपल 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 वर्ड के डेफिनेशन से, और आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं इकोलॉजिकल नीचे। इकोलॉजिकल नीचे में क्या होता है, इकोलॉजिकल नीचे में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, नीके रिफर्स टू यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। यूनिक फंक्शनल रोल, उनका एक अलग मतलब नीके में ऐसा होता है कि वो स्पीसीज सिर्फ अपने फंक्शंस के लिए काम करती हैं और हैबिटेट में। ठीक, जैसे कि चींटी के लिए क्या नीके है, चींटी जहां पे रहती है उसके लिए वो नीके हो गया। ठीक, वो उसके लिए ही काम करती है। देखिए, यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन हैबिटेट और इकोसिस्टम। अब घड़ियाल ले लो, घड़ियाल या फिर क्रोकोडाइल ले लो, क्रोकोडाइल के लिए वो पानी जहां पे रहता है इकोलॉजिकल नीचे उसके लिए वही है। ठीक, इसको थोड़ा और डेफिनेशन, जहां पे वो जीव जंतु रहते हैं, एक हिसाब से अगर आप बोलो तो हैबिटेट इज नीचे। ठीक है, हैबिटेट होता है नीचे। ठीक, कहां पे भी वो जो भी फंक्शंस काम करे तो नीचे। एग्जांपल देख लीजिए, पॉइंट नंबर ए, हैबिटेट नीचे, वेयर इट क्लियर्स फूड, जहां पे खाना खाता है, सब कुछ करता है, रिप्रोडक्टिव जहां पे वो बच्चे पैदा करता है वो भी नीचे है,
फिजिकल एंड केमिकल नीचे, टेम्परेचर और ग्लैंड इन सब का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, ये भी नीचे है ठीक। तो अपने आप में ये सब नीचे है ठीक। अब देख लीजिए कुछ डायग्राम के थ्रू मैंने बताया हूं, आप इसको देख लीजिए ठीक। यहाँ पे हैबिटेट और निको, हैबिटेट और नीचे का डिफरेंस दिया है, तो इस बार एक खाली ओरली एक बार पढ़ लेते हैं इसको, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हैबिटेट ऑफ स्पीसीज लाइक इट्स एड्रेस, जहां पे रहता है, बट नीचे जहां पे फंक्शंस करता है, हैबिटेट मतलब रह गया ठीक हो गया, और जब वहां पे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए फंक्शंस किया तो वो नीचे बन गया ठीक। नीचे ये यूनिक फॉर स्पीसीज व्हाइल मेनी स्पीसीज शेयर द हैबिटेट, मैंने आपको घर में बताया था, आपको बताया था कि घर में आपके साथ चींटी भी रहती है, शेयर करती है आपका हैबिटेट, बट आपका एक अपना भी हैबिटेट हो सकता है जहाँ पे कि चींटी ना हो, चींटी का एक अपना हैबिटेट है कि जहाँ पे आप इंटरफियर नहीं कर सकते, आप उसको मार देंगे, हैबिटेट तोड़ देंगे चींटी का, लेकिन आप उसके फंक्शंस में इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। चींटी इसी तरह दाना लेके चलेगी, इसी तरह सड़े गले पे जिंदा रहेगी, उसको आप दाल रोटी नहीं खिला सकते ठीक। ये डिफरेंस है, नो टू स्पीसीज इन हैबिटेट कैन हैव सेम नीचे, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है, सेम नीचे नहीं हो सकता किसी दो स्पीसीज का ठीक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था, इसका एक आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिजम्स बट ऑल्सो फंक्शनल रोल, नॉट ओनली फिजिकल बट अ फंक्शनल, फंक्शनल कहा था, जस्ट रिमेम्बर याद कीजिए, फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहाँ पे आता है फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल कहाँ पे आता है, जस्ट अभी बताया था, इजी लॉलीपॉप, इकोलॉजिकल नीचे ठीक है, इकोलॉजिकल नीचे फंक्शन वहीं पे करता है, इकोट्रॉन ट्रांजिशन एरिया, हैबिटेट रहने का एरिया, होम रेंज जहाँ पे घर रहता है ठीक, और नीचे फंक्शनल रोल। इसके साथ एनवायरमेंट का आपका पहला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है ठीक है, एनवायरमेंट का आपका पहला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। जो लोग ऑनलाइन नहीं आ पाए लेक्चर में उनको भगवान भला करे उनका, और वीडियो इसमें अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, देख लीजिए यूट्यूब, और कुछ अगर डाउट हो तो जो यूट्यूबर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अभी तक स्टडी कर रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो जो फोन नंबर है क्लास का उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम में आएंगे, उनको जो भी डाउट रहेगा, उनको नोट्स मिल जाएगा इसका, तो वो तब पूछ सकते हैं जो भी डाउट है ठीक है। तो ये आज का पहला लेक्चर, अगला लेक्चर जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें जो भी मैंने आज का क्वेश्चन बोला, जो पढ़ने को बोला, एक बार इसको अगर आप वीडियो गो थ्रू करेंगे, और जो इसमें अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो उसको स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो, फिर इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी विजिबिलिटी, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत अच्छे हेल्प करेंगे ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, थैंक यू, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एनवायरमेंट एक टफ टॉपिक है, बहुत दूसरी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है आपको ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय।